हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में रेलवे के थ्रू कोई भी सामान को कैसे पार्सल करें कम से कम दामों में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चीज़ों आपको बता दूं कि पार्सल करने से पहले आप अपने सामान की खुद से पैकिंग कर लें। जी हाँ, क्योंकि रेलवे आपकी सामान की टूट फूट की कोई गारंटी नहीं देती, इसलिए दोस्तों पार्सल करने से पहले घर पे ही आप अपने सामान को बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग कर दें और उसको एक अच्छे से डिब्बे में डालकर कैसे भी करके बस अच्छे से पैकिंग कर दे ताकि वो सेफ़ रहे। और एक बात और बता दूँ आपको, आप कोई ऐसा सामान बिल्कुल पार्सल ना करें जो जिसकी टूटने फूटने की ज़्यादा रिस्क रहती है, जैसे कोई प्लास्टिक की चेयर हो गई या कांच का कोई सामान हो गया। ये चीज़ आप बिल्कुल भी पार्सल ना करें। अगर आपको करना है, अगर ज़्यादा ज़रूरी है ही पार्सल करना, तो रेलवे पार्सल के द्वारा एक वुडन की बॉक्स मिलती है, उसकी अलग से कॉस्ट लगती है, तो वो आपको मिलेगा, उसमें आपको रख के पार्सल करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी पैकिंग हो जाने के बाद एक पेपर पे आपको अपना नाम लिख देना है, अपनी स्टेशन लिख देनी है जिस स्टेशन से आप अपने पार्सल को डिस्पैच कर रहे हैं, और उस एक साइड में उस स्टेशन का भी नाम लिख देना है जहाँ पे आपको अपना पार्सल भेजना है। और इतना कर देने के बाद आपको उस पर चिपका देना, अच्छी तरीके से चिपका देना है। और फिर उसके बाद आपको अपने सारे सामान को उठा के लेकर जाना है पार्सल ऑफिस, और पार्सल ऑफिस में ले जाने के बाद आपकी सामान को, हर एक एक आइटम को वहाँ पे वो लोग वजन करेंगे, और वजन करने के बाद आपको एक फॉरवर्डिंग नोट दिया जाएगा, और उस फॉरवर्डिंग नोट में बस आपको अपना नाम भर देना है, अपनी फ़ोन नंबर भर देनी है, और आपका स्टेशन, आप जिस स्टेशन पे आप अपने सामान को भेज रहे हैं वो आपको लिख देना है, और नीचे अपनी सिग्नेचर कर देना है, बाकी वो लोग अपना खुद भरेंगे। और वो वजन होने के बाद वो लोग उस फॉरवर्डिंग नोट पे हर एक आइटम का नंबरिंग करके उसका वजन के हिसाब से उसका अमाउंट लिखेंगे। और दोस्तों, अमाउंट की बात करें तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बस 6 रुपए से लेकर 8 रुपए पर केजी तक का ही कॉस्ट होता है पार्सल, इंडियन रेलवे पार्सल का, इससे ज़्यादा नहीं होता। हर जगह अलग अलग रेट होता है, लेकिन इसी के बीच में ही होता है दोस्तों। और ये सब हो जाने के बाद, आपकी फॉरवर्डिंग नोट बन जाने के बाद, फिर उसी के आधार पे आपका बिल्टी नोट कटेगा, और वो बिल्टी नोट ओरिजिनल कॉपी आपको दिया जाएगा, और एक उनका जो कार्बन कॉपी है वो लोग अपने साथ रखेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको, अपने साथ एक कंफर्म टिकट रखनी है, जिस स्टेशन पे आपको अपने पार्सल को भेज रहे हैं वहाँ तक की आपको एक कंफर्म टिकट अपने साथ रखना पड़ेगा, और एक आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी, और वो आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी और टिकट को, दोनों को आपको वहाँ पे उनके ऑफिस में देना पड़ेगा। वो लोग बिल्टी के साथ वहाँ पे उसको अटैच कर देंगे, और आपको ओरिजिनल बिल्टी लेकर आपको साथ जाना पड़ेगा उस ट्रेन से जिस ट्रेन से आपकी सामान को वो लोग डिस्पैच कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर जब आपका सामान लोड हो रहा हो ट्रेन में, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने सामने खड़े होकर अपने सामान को खुद से सामने से देखकर ही लोड करवाएं, और उनकी लेबर को आप अगर खुद से साइड से पैसे दे देते तो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो लोग जैसे भी करके लोड कर देते, क्योंकि ट्रेन की मार्जिन भी हर स्टेशन पे कम होती है, ज़्यादा तो होती नहीं, इसलिए उनको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अगर आप उनको कुछ पैसे दे देते हैं तो वो लोग थोड़ी सी केयर से आपके सामान को वहाँ पे लोड करेंगे। और फिर जब लोड हो जाने के बाद आपको उस ट्रेन से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जाते हो, आपका सामान चला जाता है, डिस्पैच हो जाता है वहाँ से, अगर वहाँ पे फिर उस स्टेशन पे जाके आपका पार्सल अनलोड होता है और पार्सल ऑफिस में वो जमा हो जाता है, और फिर 24 घंटे के बाद अगर आप अपने पार्सल को नहीं छोड़ाते हैं तो 24 घंटे के बाद से आपकी पार्सल की रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके गोडाउन में जो आपका पार्सल पड़ा रहता है उसका रेट अलग से लगना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको साथ जाना पड़ेगा। अगर किसी वजह से आप नहीं जा सकते हैं तो इतना कर दे कि आप अपने बिल्टी नोट को किसी सेफ कुरियर से उसको कुरियर कर दे, और जल्द से जल्द उसे अपने पार्सल को फिर वहाँ से छुड़वा लें। फिर जब आप खुद जाते हैं पार्सल ऑफिस, वहाँ पे जहाँ तक आपका सामान गया हुआ है वहाँ पे आप जाते हैं, तो अपने बिल्टी नोट से देख कर मिला कर अपने सामान की पूरी अच्छे से देख लें उसे, आपके हर एक बॉक्सेस पे, हर एक आपके पार्सल जो बैग्स होती है उन पे आपकी बिल्टी नोट नंबर वहाँ पे लिखा रहता है, आइटम कोड भी वहाँ उस पे लिखा रहता है, तो आप अच्छे तरीके से उसे मिला लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि
कुछ सामान इधर उधर भी हो सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से कंफर्म कर ले कि हाँ हाँ मेरा इतना सामान गया था, वहाँ से डिस्पैच हुआ था, यहाँ पे इतना सामान मुझे रिसीव हुआ। तो ऐसा करने के बाद ही आप अपने सामान को वहाँ से ले। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।